केंद्र की मोदी सरकार के सहयोगी दल अब चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अपने रंग बदलते दिख रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम अगर किसी का निकल के आ रहा है तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा। लोजपा जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है और रामविलास पासवान इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो हर कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, रामविलास पासवान ने हर कैबिनेट में अपनी जगह बनाई है और हर सरकार में वो कैबिनेट मंत्री केंद्र में रहे हैं। 2014 से पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन 2014 में वो अपने बेटे चिराग पासवान के साथ मोदी सरकार के साथ शामिल हो गए थे और बीजेपी में वो केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान इस वक्त सांसद हैं, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही लोजपा के नेताओं के सुर बदले नजर आ रहे हैं। खासकर बात करें चिराग पासवान की तो उनके सुर भी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान ने जहां बीजेपी को ट्वीट कर चिताया है कि फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मान पूर्वक तरीके से दूर कर दो, वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राहुल गांधी में काफी कुछ बदलाव आया है, कांग्रेस बहुत समय के बाद जीती है। चिराग ने राहुल गांधी की आलोचना करने वालों से कहा कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, सिर्फ आलोचना करना ठीक नहीं। चिराग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने किसानों और बेरोजगारों के लिए आवाज उठाई है और हम धर्म और संप्रदाय को मुद्दा बनाकर बैठे हैं। चिराग ने कहा कि अब वक्त आ गया है हम एक बार फिर सोचें और विकास को मुद्दा बनाएं, ना कि धर्म और संप्रदाय को। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बीजेपी को ट्वीट करके चेताया था। उन्होंने लिखा था कि टीडीपी और रालोसपा के जाने के बाद एनडीए गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मान पूर्वक तरीके से दूर करे। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें कहा कि गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक कुछ ठोस बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस विषय पर समय रहते बात नहीं की गई तो इससे नुकसान हो सकता है। साथ ही राम मंदिर मसले पर चिराग पासवान ने कहा कि मुद्दा एनडीए का नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी का है, एनडीए का मुद्दा विकास है। चिराग पासवान के बदले हुए सुर साफ बता रहे हैं कि बीजेपी के गठबंधन साथी बीजेपी से खुश नजर नहीं आ रहे हैं और 2019 चुनाव से पहले अगर बीजेपी ने गठबंधन साथियों को साथ में नहीं लिया, उनके मन की नहीं की, तो इसमें बीजेपी का ही घाटा हो सकता है। साथ ही चिराग पासवान के ये बदले सुर बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए क्या नया रास्ता बनाएंगे, साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के लिए क्या नया दरवाजा खुलेगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए।